यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने WTO जो है वो WTO का टॉपिक हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत, उसका जो इंसेप्शन था, क्यों शुरुआत किया गया, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो WTO से पहले एक बॉडी हुआ करती थी गैट। गैट बना 1947 में, 1948 से काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। क्यों बनाया था, तो पूरा वर्ल्ड वॉर वाली कहानी जो है वो मैंने आप लोगों को समझाई थी कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, ग्लोबल डिप्रेशन आ गया पूरे वर्ल्ड में, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया, देन उसके बाद में जो है वो दो इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। एक था आपका IBRD, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और एक था आपका IMF। ओके, और फिर 1948 से जो है वो गैट ने भी काम करना शुरू कर दिया, और गैट आगे जाके बड़ा हो गया जो है वो क्या ना, गेट बड़ा हो गया 1995 के अंदर जो है बन गया क्या, WTO। तो WTO की सारी कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। WTO का ऑब्जेक्टिव एक ही था, वो ये था कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड हो, मतलब जब दो कंट्री आपस में मिलकर के जो है वो क्या करें, व्यापार करें, तो उनके व्यापार को फ्री फ्लो बनाना। दैट मींस कि ट्रेड के ऊपर लगने वाले जो भी बैरियर्स हैं, चाहे वो आपके टैरिफ बैरियर हैं, चाहे वो आपके नॉन टैरिफ है, चाहे वो आपके नेचुरल बैरियर्स हैं, उन सारे के सारे बैरियर्स को जो है वो क्या करना, रिमूव करना। तो ये टारगेट जो है वो होता है किसका, WTO का। लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो है वो काफी कंट्रीज को नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब कंक्लूड हो गया था, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जापान को भुगतना पड़ा, क्योंकि जापान के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर जो है वो छोड़ दिया था US ने। तो हिरोशिमा और नागासाकी, दो उसके शहर थे, उन दोनों शहरों को जो है वो क्या कर दिया, तबाह कर दिया था। तो उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, जापान को फंडिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना था। ओके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डिवेस्टेटेड हो चुकी थी, लाइक जर्मनी पूरा का पूरा खत्म हो गया था, यूरोप पूरा का पूरा खत्म हो गया था। तो ऐसी कंट्री जो वॉर की वजह से, मतलब वो सभी नेशन, वो सभी देश जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से खत्म हो चुके थे, डिवेस्टेटेड हो चुके थे, तो उन सभी नेशंस को रिवाइव करने के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए एक बैंक को स्थापित किया गया। उस बैंक को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक। तो आज की क्लास में वही वर्ल्ड बैंक के टॉपिक को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। अगर बात करता हूं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल मिला के 5 इंस्टीट्यूशन जो है वो आते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आएगा IBRD, फिर आएगा आपका IDA, फिर आएगा IFC, फिर आएगा मिग्गा, और एक आएगा ICSID। और अगर अकेले वर्ल्ड बैंक क्या होता है कोई वो पूछे, तो वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है IBRD और IDA। तो आज की क्लास में हम लोग IBRD का टॉपिक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो रिमेनिंग जो 4 टॉपिक रह गए हैं वो हम निपटा लेंगे। तो 2 क्लास हमने सोची है, बाकी देखते हैं कि आप, तो आज की क्लास अगर ज्यादा लंबी हुई तो इसका रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके जी सर, तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल इंसेप्शन से जो है इसको शुरुआत करेंगे हम लोग, कि IBRD की स्थापना क्यों किया गया, और फिर IBRD में क्या कुछ आता है, मतलब IBRD जो नेम है किसका, वर्ल्ड बैंक का, तो उसके अंदर क्या कुछ आता है, और लेटेस्ट डेटा क्या है, IBRD से सबसे ज्यादा लोन जो है वो 2021-22 के अंदर किस कंट्री ने लिया, वो सब जो है वो डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे। ओके जी सर, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 के अंदर जो NTNET का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर, इसी तरीके से प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे भी हम IB पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे IB का जो है वो बुक है, ये कॉमर्स का बुक है, मैनेजमेंट का बुक है, इसी तरीके से पेपर 1 की सेपरेट बुक्स है, वो सब आपको मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQ। तो आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है सारी किताबें मिल जाएंगी, आपको सारे स्टडी जो वीडियोस है वो सब आपको हमारी मोबाइल ऐप है M Smart Academy, उसके ऊपर मिल जाएगा। प्लस में क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, प्लस में रिवीजन वीडियो भी मिलेगा। तो घर पे बैठे बैठे आप जो है पूरी बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं। ओके जी सर, तो अगर इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, और प्रॉपर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके ना जी सर, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसका, वर्ल्ड बैंक का, पहले तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर 3 टॉपिक है, एक है आपका IMF का, एक है वर्ल्ड बैंक, और फिर कौन सा, अंकटाड। तो हम सबसे पहले जो है वो टॉपिक करेंगे कौन सा, वर्ल्ड बैंक, दूसरे नंबर पर करेंगे कौन सा, अंकटाड, और तीसरे नंबर पर करेंगे कौन सा, IMF। ओके हाँ जी सर,
अब शुरुआत कैसे है, तो एक बार वैसे तो ये पूरी कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, वर्ल्ड वॉर सेकंड की, और बीच में आपका ग्रेट डिप्रेशन या ग्लोबल डिप्रेशन आया था, ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को समझा दी थी, लेकिन एक बार आपको मैं रिव्यू करवा देता हूं क्या है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 के पीरियड के अंदर, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा जो है वो बैड इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर, प्रोडक्शन पे, क्योंकि यहां पे जो है वो अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है जी। अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन से निपटने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स को जो है वो ऑर्डर दिया कि आप किनको, इंडस्ट्री को और आप फार्मर्स को जो है वो सॉफ्ट लोन जो है प्रोवाइड करें। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है कि जो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगा और जिसके अंदर मतलब विदाउट कोलेटरल जो है वो लोन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसकी वजह से 1929 से 30 के पीरियड के अंदर जो है वो डिप्रेशन छा गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब डिप्रेशन आया तो बैंक्स फेल हो गए थे यूएस में, और बैंक फेलियर को सही करने के लिए जो है वो 1930 के अंदर एक बैंक बनाएगा जिसको बोलते हैं BIS बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, या इसी को बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो 17 मई 1930 को बनाया गया, कहाँ पे, बिसल के अंदर, ठीक है। इस BIS के अंडर एक कमेटी वर्क करती है, कमेटी का नाम है BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो बेसिकली बेसल नॉर्म्स जो है वो क्या करती है, इशू करने का काम करती है। बेसल नॉर्म्स जो है वो अभी तक तीन आ गए हैं, लेकिन अपने इंडिया के अंदर चौथा बेसल नॉर्म BCBS ने चौथा बेसल नॉर्म भी इशू कर दिया है, तो वो भी हम लोग आगे बैंकिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि बैंक क्योंकि फेल हो गए थे, तो लोगों का बैंकों के ऊपर दोबारा से विश्वास जताने के लिए जो है एक सेंट्रल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बैंक ओपन किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, 17 मई 1930 को ओपन किया गया। इसके अंडर एक कमेटी बनाई गई 1974 में जिसको बोलते हैं BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो बेसिकली क्या करती है, ये बेसल नॉर्म इशू करती है। बेसल नॉर्म के अंदर बेसिकली क्रेडिट के जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर फोकस किया जाता है कि बैंकों को कम से कम इतना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए कि कभी भी बैंक फेलियर या बैंक रन की सिचुएशन जो है वो आपको फेस करनी ना पड़े, तो ये इशू करती है क्या, बेसल नॉर्म फॉर किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद कहानी आई क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड की। वर्ल्ड वॉर सेकंड आपका स्टार्ट हुआ 1939 में और ये आपका एंड हुआ 1944 से 45 के पीरियड में। इस पीरियड के अंदर जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हमारे यूएस के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डेक्सटर वाइट। अब ध्यान से समझना बातों को, यूएस का एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था मिस्टर डेक्सटर वाइट, और यूके के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप बहुत सारी इनकी थ्योरीज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जे एम केन्स की थ्योरीज जो है इकोनॉमिक्स में अक्सर देखने को मिलती हैं, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ये दोनों, एक यूएसए का था और एक यूके का था। तो इन दोनों ने मिल करके एक जॉइंट प्रपोजल बनाया, ध्यान से समझना, इन दोनों ने मिलकर के ये देखा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो बहुत ही पिछड़ चुका है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई है, झगड़े के कारण सारे रिसोर्स जो है वो आम जनता से वंचित हो गए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि दो बॉडी को सेटअप किया जाए, क्यों ना दो बॉडी को सेटअप किया जाए और वो दो बॉडी जो है वो लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी, लोगों की एफिशिएंसी जो है वो कंट्रीज की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यूएसए का जो इकोनॉमिस्ट था मिस्टर डेक्सटर वाइट और यूके के जो इकोनॉमिस्ट मिस्टर जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, इन दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट प्लान बनाया 1944 में, और इस जॉइंट प्लान के बेस पर उन्होंने एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करी, जो 1 से लेकर के और 22 जुलाई तक ये मीटिंग जो है वो हुई। और जब ये मीटिंग यूएस के अंदर वॉशिंगटन में हुई तो इस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, दो बॉडी को सेटअप करेंगे और उन दो बॉडी को बोलेंगे ब्रिटन वुड्स ट्विंस। तो ये मीटिंग हुई थी कहां पे, ब्रिटन वुड्स के अंदर, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ब्रिटन वुड्स ट्विंस। और ब्रिटन वुड्स ट्विंस के अंदर आपकी दो बॉडी बनाई जाएंगी, एक बनेगी IBRD और एक बनेगा IMF। तो 1 से 22 जुलाई 1944 में मीटिंग हुई यूएस में, जिसका कंक्लूजन निकला कि क्या करेंगे, दो बॉडी को सेटअप करेंगे, एक बॉडी जिसका नाम रहेगा IBRD और एक रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या, IMF। तो एक बॉडी है IBRD और एक बॉडी है IMF। IBRD जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे प्यार से, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक। पहले तो फुल फॉर्म क्या इसका IBRD का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका काम क्या रहेगा, IBRD का काम यह रहेगा कि वर्ल्ड वॉर के कारण, मतलब जो वॉर हुआ था उस वॉर के कारण जो कंट्री डिवेस्टेटेड हो चुकी थी, जो कंट्री झगड़े के कारण खत्म हो चुकी थी, तो उनको पैसा प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट पर्पस के लिए, वो तो काम कौन करेगा, IBRD। तो क्या बोलते हैं, वॉर की वजह से
जो इकोनमी डिवेस्टेटेड हो गई है उनको रिवाइव करने के लिए जो पैसा प्रोवाइड करवाएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आईबीआरडी। और दूसरी बॉडी जो बनाई जाएगी उसका नाम जो है वो कौन होगा, आईएमएफ। अब ये आईएमएफ का काम क्या रहेगा, एक बार ऊपर ऊपर से बता दूं, पहले तो आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ओके। ये क्या करेगा, जब कंट्रीज, अब अपने आपको उभारना तो है ही, तो कंट्री प्रोडक्शन भी करेगी, कुछ सामान ऐसा भी होगा जो बाहर से मंगाना पड़ेगा, हम खुद नहीं बना पाएंगे तो उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से कई बार कुछ ऐसा होगा कि कुछ कंट्री का जो बीओपी है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि उनका इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जबकि एक्सपोर्ट उतना नहीं होगा, तो जिसके कारण उनका बीओपी नेगेटिव हो गया। तो उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो फंडिंग करेगी वो कौन करेगा, आईएमएफ करेगा, ताकि उनका बीओपी जो है वो नेगेटिव से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ये है कि जो नेगेटिव बीओपी है उसको वो सिचुएशन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो पहली बॉडी आईबीआरडी, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या रहेगा, वॉर की वजह से जो इकोनॉमी डिवेस्टेटेड हो चुकी थी उनको फंडिंग प्रोवाइड करना। एंड द सेकंड अथॉरिटी जो बनेगी वो बनेगी क्या, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये क्या करेगा, नेगेटिव बीओपी को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, पैसा प्रोवाइड करवाएगा। ये बात समझ में आया जी सर। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन ये लिया गया कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो है वो जन्म लेंगे, जिसका जिसमें एक बनेगा आईबीआरडी और एक बनेगा क्या, आपका आईएमएफ, ठीक है। अब आईबीआरडी और आईएमएफ को मर्ज कर देंगे तो क्या बनता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बनेगा। और ये कब बने, 27 दिसंबर 1945 को। तो 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 के अंदर ये डिसाइड हो गया था कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस को जो है वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। और ये कब, ये बने आपके 27 दिसंबर 1945 को। ये बात समझ में आया, बोलो। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग जो है, हम लोगों को ये तीनों ही चीज़ें जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ के जानी है, आईएमएफ भी, वर्ल्ड बैंक भी, अंकटाड भी। हाँ, अपने मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर जो है वो अंकटाड का टॉपिक जो है वो नहीं है, अपने मैनेजमेंट के सिलेबस में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, बट कॉमर्स में तीनों है। तो अभी हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे पहले किससे, वर्ल्ड बैंक से, फिर करेंगे अंकटाड एंड देन करेंगे किसको, आईएमएफ को। चलो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक की कहानी जो है वो क्या है, आओ जी एक बार, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है वर्ल्ड बैंक का। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, काफ़ी कुछ नई चीज़ें जो अपने को आज सीखने को मिलेंगी वो क्या क्या है, आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसको प्यार से बोला जाता है आईबीआरडी, पहले तो इसकी मैं कहानी समझा दूं आपको। देखो, वर्ल्ड बैंक एक अलग चीज़ है, आईबीआरडी एक अलग चीज़ है। आप सुनना, अगर बात करते हैं ओनली वर्ल्ड बैंक का, बहुत बार वर्ल्ड बैंक को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वर्ड से, डेट इज़ द आईबीआरडी, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसी को बोल देते हैं वर्ल्ड बैंक। जी, ये वर्ल्ड में एक्चुअल में है भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। बट कंसेप्चुअली अगर हम बात करेंगे तो अगर वर्ल्ड बैंक वर्ड यूज करोगे तो वर्ल्ड बैंक में दो बॉडी आएंगी, एक आएगा आईबीआरडी और एक आएगा आईडीए। कौन आएगा, आईडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाएगी तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कितनी बॉडी है, दो बॉडी। कितनी बॉडी है, दो बॉडी आएंगी, ठीक है सर। और अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात की जाएगी, किसकी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो इसके अंदर टोटल मिला के कितनी बॉडी आएंगी, पांच बॉडी आएंगी। कितनी बॉडी आएंगी, पांच, जिसके अंदर एक तो आएगा आईबीआरडी, एक आएगा आईडीए, ये तो आएंगे आएंगे जी सर। इसके अलावा आएगा इसमें आईएफसी, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आएगा मिग्गा, और इसके अंदर जो है एक आएगा क्या, आईसीएसआईडी। ये बात समझना। तो अगर बात किया जाएगा ओनली एंड ओनली किसका, वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने इंस्टीट्यूशन आएंगे, दो इंस्टीट्यूशन, एक तो आएगा आपका आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और एक आएगा क्या, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हालांकि मैं आपको बता दूं, दोनों का ऑफिस एक ही है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर इनका ऑफिस बना हुआ है, आईबीआरडी का भी, आईडीए का भी। बस आईडीए को सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं किसका, वर्ल्ड बैंक का। मतलब ये जो है वो गरीबों को सस्ते रेट पर जो है वो लोन प्रोवाइड करने का क्या करता है, काम करता है। लेकिन दोनों का ऑफिस जो है वो क्या है, एक ही है। इसीलिए आईबीआरडी बोलते हो या वर्ल्ड बैंक बोलते हो, बात एक ही है। ये बात समझ में आ गया जी सर। मतलब जो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, जो आईबीआरडी का ऑफिस है, ठीक है, जो उसकी बिल्डिंग है, उसी के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखे जिसको बोलते हैं आईडीए। दिस इज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या करता है, जो गरीब कंट्री है उनको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड बैंक पूछ ले आईबीआरडी और आईडी, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछ ले तो पांच बॉडी उसके अंदर आएगा, आईबीआरडी भी आएगा, आईडी भी आएगा, आईसीएसआईडी भी आएगा, मिग्गा भी आएगा और आईएफसी भी आएगा, ठीक है जी। सर इंडिया के बारे में बताओ पहले थोड़ा सा, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था किसका, वर्ल्ड बैंक का। तो अगर वर्ल्ड बैंक मतलब आईबीआरडी की बात करें तो इंडिया इसका जो है फाउंडिंग मेंबर
था। ठीक है जी, अब अगर बात करते हैं सर, पांच बॉडी हैं, इन पांचों में से इंडिया किस किस का मेंबर है? इन पांच बॉडी में से इंडिया जो है वो चार बॉडीज का मेंबर है, इंडिया आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। ये जो बॉडी है, पहले थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं एक बार, आईसीएसआईडी का जो मेन काम है वो ये है, ये क्या करता है, ये डिस्प्यूट्स को सेटल करवाने का काम करता है। तो सर अगर डिस्प्यूट को सेटल करवाने का काम करता है तो इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं बना? क्योंकि इंडिया ने ये बोला कि जो ये आईसीएसआईडी है, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है एक तरह से वर्ल्ड बैंक का, ये जनरली जो डेवलप्ड नेशन है उनके फेवर में डिसीजन देती है, तो ये हमारे लिए कोई ज्यादा काम की नहीं है, तो इसीलिए इंडिया ने जो है वो आईसीएसआईडी को ज्वाइन नहीं किया। तो पेपर में आपका एमसीक्यू ये बन सकता है कि बताइए इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में किस किस बॉडी का मेंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, इंडिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आने वाली सभी बॉडी का मेंबर है एक्सेप्ट आईसीएसआईडी। वाई? क्योंकि इंडिया जो है उसको ये लगता है कि आईसीएसआईडी के जो निर्णय हैं, जो उसके डिसीजन हैं, वो इंडिया के फेवर में या वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके फेवर के अंदर नहीं होते। यहां तक ओके गया जी सर? चलो अब थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे और भी कहानियां देखेंगे। बोलता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द वर्ल्ड बैंक, IBRD बोल दो, ये इसी को प्यार से बोल देते हैं क्या, वर्ल्ड बैंक। अब आपके माइंड में बारी बारी चल रहा होगा सर अभी तो बताएं IBRD वर्ल्ड बैंक नहीं है, IBRD प्लस IDA वर्ल्ड बैंक है, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूं बिल्डिंग एक ही है, उसी IBRD की बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, IDA। तो बहुत बार अब आगे जब आप पढ़ोगे तो IBRD को ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा किस वर्ड से, वर्ल्ड बैंक से, तो आप कंफ्यूज मत होना। चलो बोलता है एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटन वुड्स के अंदर, कब हुई थी, 1 जुलाई 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 को। मेन पर्पस जो था इस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि हम फाइनलाइज करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और एस्टेब्लिश करेंगे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, जिसका मेन काम जो है वो क्या रहेगा, ये रिकंस्ट्रक्ट करेगा किसको, वॉर शैटर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमीज शैटर्ड हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर की वजह से जो कंट्री वेस्टेडेड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करने का जो है वो काम करेगा कौन, IBRD। द कॉन्फ्रेंस हैज गिवन बर्थ टू द ट्विन, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसने ट्विन बॉडीज को जो है वो जन्म दिया, एक बनी जिसको बोलते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और एक बनी जिसको बोलते हैं IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IBRD को ही पॉपुलरली हम लोग बोल देते हैं क्या, वर्ल्ड बैंक। बात खत्म, अब ध्यान से आगे पढ़ेंगे। बोलता है द ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म, जो ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म था, मतलब पूरे वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड का मतलब वर्ल्ड ट्रेड, तो बोलता है जो वर्ल्ड ट्रेड मैकेनिज्म था वो सीवियरली अफेक्टेड हुआ ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। फर्दर द वॉर ऑल्सो अफेक्ट, और वॉर की वजह से जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड लाइक ये सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। जैसे अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन का और रशिया का जो है वो युद्ध शुरू हो गया है, तो यूक्रेन की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो रशिया ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिए। तो वर्ल्ड वॉर में होता है ऐसे ही, एक कंट्री दूसरे को बढ़ावा बोलती है तो उसके मेन जो रिसोर्सेज है उसको नष्ट कर देती है, उसको हड़पने का काम करती है, यही सब। जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान एंड अदर कंट्री वर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ द वॉर, फर्दर देयर वाज अ फियर, और फिर दोबारा एक नए वर्ल्ड वॉर की जो है वो क्या हो गया था, एक डर जो है वो सताने लगा ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो गया था। ठीक है, कुछ नेशन बहुत ही अमीर हो गए थे और कुछ बहुत ही गरीब हो गए थे, अमंग द वेस्टर्न कंट्री, एशियन कंट्री एंड द अफ्रीकन कंट्री। द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो तीसरी दुनिया थी, अब तीसरी दुनिया के अंदर कौन आता है, देखो तीसरी दुनिया जनरली बोलते हैं गरीब नेशन को, और बहुत बार मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा कि इंडिया को बोलते हैं इंडिया से थर्ड वर्ल्ड नेशन। अब थर्ड वर्ल्ड इंडिया को बोलते हैं, मतलब वो जो वर्ड यूज किया जाता है वो गरीबी के लिए यूज किया जाता है, बट इंडिया एक्चुअल के अंदर, अब मैं आपको पहले फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड की कहानी थोड़ा सा बता दूं, हालांकि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा एक बार सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कौन से कंट्रीज आती हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आती है बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके अंदर आपका US हो गया, यूरोप हो गया, मतलब जो नाटो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी आती हैं किसके अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड में। ठीक है, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है, जहां पे तानाशाही चलती है, जहां पे सोशलिज्म है, उन सबको जो है वो डाला गया किसके अंदर, सेकंड वर्ल्ड के अंदर। सेकंड वर्ल्ड कंट्री के अंदर बेसिकली जो है वो आपका सोवियत यूनियन हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब आते हैं। और इसी अलाइनमेंट के बेस पर अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ल्ड में जो
बाकी बच्ची कंट्री हैं वो सब आती है, जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो फॉलो करती हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ये कौन सी है, डेमोक्रेटिक मतलब जो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है। सेकंड वर्ल्ड कंट्री में आएगा कौन सा, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक होते हैं। और रिमेनिंग जो बचे वो किसमें आएगा, थर्ड वर्ल्ड में। ठीक है, आजकल ये जो थर्ड नेशन या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो वर्ड है ये यूज किया जाता है किसके लिए मालूम, आजकल ये जो वर्ड है यूज किया जाता है गरीब नेशंस के लिए। और बहुत बार मूवीज के अंदर आपने देखा भी होगा कि ऐसा बोलते हैं इंडिया इज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपने गुरु मूवी देखी होगी तो उसके अंदर अभिषेक बच्चन जब एट द एंड ऑफ द मूवी वो स्पीच देता है तो उसके अंदर बोलता है कि इंडिया को क्यों थर्ड तीसरी दुनिया बुलाया जाता है, हमें भी अधिकार है पहली दुनिया बोलने का। तो वहां पे उसका जो बोलने का मोटो था वो ये था कि थर्ड वर्ल्ड नेशन का मतलब ये हो गया कि हम गरीब, लोग हमको गरीब क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेस पर, आज करंट की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड नेशन में आता है। तो आज अगर इकोनॉमिकली क्राइटेरिया देखें, फर्स्ट वर्ल्ड में आएगी डेवलप्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड में आएगा डेवलपिंग और थर्ड में आएगा LDC लो इनकम कंट्री, LIC या LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया सेकंड में आ रहा है डेवलपिंग के अंदर, जो अभी डेवलप्ड होने की कगार पे है। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा सा लिखा भी है कि इन सोशियो इकोनॉमिक सेंस क्लियरेस्ट डेफिनेशन जो है फॉर द सेकंड वर्ल्ड वुड बी न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री लाइक थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब आज की डेट में जो किसके अंदर आ रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड नेशन में। ओके जी सर, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ लिया, तो बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी लाइक इंडिया हो गया और ये सब, उस टाइम की बात हो रही है, तो उन्होंने भी जो है वो एक कमी महसूस किया कि कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो हमको पैसा प्रोवाइड करे ताकि हम भी अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करें। तो उनको भी देखते हुए निर्णय लिया गया कि हम लोग एक बॉडी को क्या किया करेंगे, सेटअप करेंगे, और वो बॉडी बेसिकली जो है वो क्या करेगी, फंडिंग करने का काम करेगी। तो क्या बोलते हैं, द थर्ड वर्ल्ड कंट्री फेल्ट द नीड, उनको भी एक नीड महसूस हुआ, जरूरत महसूस हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ देयर इकोनॉमीज। एट द सेम टाइम द वॉर शैटर्ड इकोनॉमीज फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर इकोनॉमीज। द पार्टिसिपेंट कंट्री एट द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस फेल्ट दैट ओनली IMF, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी जिन्होंने 1 से लेकर 22 जुलाई को जब मीटिंग हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने महसूस किया कि अकेला IMF जो है वो मतलब जो है वो अकेला इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करवा सके। Only IMF cannot achieve these objectives. As such, the conference resolved to establish another institution for reconstruction of the weak country. तो एक ऐसी बॉडी भी बनानी चाहिए जो वीक कंट्रीज को जो है वो फंडिंग करने का काम करेगी, और उसके लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है जी, ये डेट आप यहाँ से काट दीजिएगा, आपको पता 27 दिसंबर 1945 को ये सेटअप हो गए थे। IMF को एस्टेब्लिश किया गया, और IMF क्या करेगा, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आपको सहायता प्रोवाइड करेगा, किस लिए, ताकि आप करेक्ट कर सके अपने BOP के डिस इक्विब्रियम को। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिस इक्विब्रियम में चला गया, तो आपके BOP के डिस इक्विब्रियम को सही करने के लिए हम बनाएंगे एक बॉडी जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, IMF। और जबकि IBRD क्या करेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा, IBRD को एस्टेब्लिश करेंगे जो प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म असिस्टेंस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्री। ठीक है जी, IBRD जो है वो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। अब ये इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेंबर जो एक साथ काम करते हैं ऑन द इशू ऑफ म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट, जो मिल करके जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। मतलब इंटर गवर्नमेंटल, कई सारे देश मिल करके जो एक बॉडी बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे क्या बोलते हैं, IBRD एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो कॉर्पोरेट इनफॉर्म है, और कॉर्पोरेट इनफॉर्म का मतलब इसकी अपनी क्या होगी, शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, इट्स कैपिटल इज एंटायरली ओन, और जो इसकी कैपिटल है वो सारे के सारे किन के पास में है, जो मेंबर नेशन है इसके, उनके पास में। ठीक है जी, अभी तक की कहानी के अंदर क्या समझ में आया सर, अभी तक की कहानी में यह समझ में आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इकोनॉमी, जो कंट्री डिवेस्टेटेड हो चुकी थी, उन नेशंस को पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए, फंडिंग करने के लिए एक बॉडी को सेटअप किया गया, डेट इज द IBRD। फिर वहां पे ये भी महसूस किया गया कि जो गरीब कंट्री है, लो इनकम ग्रुप कंट्री है, उन लोगों को भी फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम बॉडी को सेटअप करेंगे, तो उसको भी सेटअप करने के लिए, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए भी एक बॉडी को बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, IBRD। तो वर्ल्ड बैंक जो है बेसिकली उसका मेन काम क्या है,
उसके नाम पे जाओ, इंटरनेशनल बैंक, आईबीआरडी बोलते ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन किसका, जो वर्ल्ड वॉर के कारण इकोनॉमी खत्म हो गई थी उनको तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देगा। एंड डेवलपमेंट किसका, जो लो इनकम कंट्रीज है उनको डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, फंडिंग करने का काम करेगा। ओके जी सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्यों बनाया जी, पर्पस जो है वर्ल्ड बैंक का वो दिया गया है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में। सबसे पहला ये क्या करेगा, असिस्ट करेगा इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द मेंबर बाय फैसिलिटेट करेगा, उनको सहायता करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव पर्पस इंक्लूडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड और डिस्टर्ब्ड बाय द वॉर। तो जो इकोनॉमी झगड़े के कारण खत्म हो गई थी उनको दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा प्रोवाइड करेगा। रिकन्वर्ट करेगा प्रोडक्टिव फैसिलिटीज टू पीस टाइम नीड एंड एनकरेज करेगा ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव फैसिलिटी एंड रिसोर्सिस इन लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, दूसरा पर्पस है वो क्या है, ये प्रमोट करेगा फॉरेन प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी प्रमोट करेगा। हालांकि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए अलग से एक बॉडी बनी हुई है जिसको बोलते हैं आईएफसी, जो कि वर्ल्ड बैंक की ही आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ही मेंबर है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करेगा, बाय मींस ऑफ गारंटी देगा या पार्टिसिपेशन देगा इन द लोन एंड अदर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर, एंड व्हेन प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल, और जब प्राइवेट कैपिटल अवेलेबल नहीं होगी रीजनेबल टर्म्स पे, तो ये सप्लीमेंट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाय प्रोवाइडिंग ऑन सस्टेनेबल कंडीशन फाइनेंस फॉर प्रोडक्टिव पर्पस आउट ऑफ इट्स ओन कैपिटल। तो जहां पे प्राइवेट कैपिटल नहीं है वहां पे ये अपना पैसा जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व के अंदर डेवलपमेंट की जा सके। ये प्रमोट करेगा लॉन्ग रेंज बैलेंस ग्रोथ, ये प्रमोट करेगा लॉन्ग रेंज बैलेंस ग्रोथ किसकी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय एनकरेजिंग द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ मेंबर, देयर बाय सहायता करेगा इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंडीशन ऑफ द लेबर इन देयर टेरिटरी। और ये क्या करेगा, अरेंज करेगा लोन और गारंटी बाय इट इन रिलेशन टू इंटरनेशनल लोन थ्रू अदर चैनल सो दैट मोर यूजफुल एंड अर्जेंट स्मॉल एंड द लार्ज प्रोजेक्ट आर डील विद फर्स्ट। तो जो मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है प्राइमरी प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो डील किया जा सके। तो ये सब जो है वो पर्पस है, इन पर्पस के लिए इसको जो है वो डेवलप किया गया। अब ओरिएंटेशन क्या है, मतलब जब ये पैसा प्रोवाइड करता है तो इसका फोकस ऑफ फंडिंग क्या है, मतलब किस किस पर्पस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। पहला मेन फोकस जो है इसका वो ये है, हेल्पिंग द पुअरेस्ट पीपल, जो पुअरेस्ट पीपल या पुअरेस्ट कंट्री है उनको क्या करना, पैसा प्रोवाइड करना। ठीक है, ऊपर ओरिएंटेशन में कुछ लिखा, वर्ल्ड बैंक पॉलिसी आर ओरिएंटेड, जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज हैं वो ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स किसके लिए, अचीविंग सर्टेन डिजायर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ हमारे पहले से जो है वो क्या होंगे, हमारे कुछ गोल होंगे, कुछ सोशल गोल होंगे, कुछ इकोनॉमिक गोल होंगे, तो जो सोशियो इकोनॉमिक हमारा गोल है डेवलपमेंट करने का, तो उनको अचीव करने के लिए जो है ये क्या करेगा, फंडिंग करेगा। ठीक है, मेन फोकस जो रहेगा वो किसके ऊपर है, पुअरेस्ट पीपल जो है उनको या पुअरेस्ट जो कंट्रीज हैं उनको फंडिंग करना। ठीक है, किसके लिए, इन्वेस्टिंग करेगा इन पीपल पर्टिकुलरली थ्रू बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन, इसके लिए पैसा प्रोवाइड करेगा, मतलब हेल्थ और एजुकेशन के लिए फंडिंग करता है। फोकस करता है ऑन सोशल डेवलपमेंट इंक्लूजन गवर्नेंस एंड द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एज अ की एलिमेंट ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, पॉवर्टी रिडक्शन का काम करेगा। ठीक है जी, स्ट्रेंथन करेगा एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर क्वालिटी सर्विस, ये गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जो आम जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे उसके लिए जनता को, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करेगा, असिस्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एनवायरमेंट को, सपोर्ट करेगा एनकरेजिंग द प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट की, मतलब कंट्रीज अलग अलग कंट्री के अंदर आप जो है वो अपनी वेरियस कंपनीज जो है एस्टेब्लिश भी कर पाए तो उसके लिए क्या करेगा, प्रमोशन का काम करेगा, प्रमोट करेगा रिफॉर्म सुधार करेगा टू क्रिएट करने के लिए स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट कंडक्टिव टू इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और एक ऐसा एनवायरमेंट लाएगा जो स्टेबल नेचर का हो, जिसके अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो और कोई भी एक पर्सन आके उसके अंदर जो है वो काम कर पाए। थ्रू इट्स लोन, अपने लोन से, पॉलिसी एडवाइस से एंड टेक्निकल असिस्टेंस से वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट करता है ए ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो अपने लोन से वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करके उनके लिए पॉलिसीज बना करके वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉवर्टी को दूर करने का काम करता है, पॉवर्टी रिडक्शन का काम करता है और लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने का काम करता है।
ठीक है जी। ग्लोबल फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी मेन इसका यही है, क्योंकि अभी रिसेंट अगर आप इसका वो भी देखोगे ना, इसका अगर आप मोटो पे जाओगे तो वही है कि पॉवर्टी रिडक्शन का काम करना है। और दूसरा 2030 तक एक्सट्रीम जो हंगर है उसको क्या करना है, दूर करना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है वो क्या करना है, दूर करना है, वही इसका जो है वो मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। चलो अभी एक बार देख लो ये क्या करता है। ग्लोबल फाइट पूरे विश्व के अंदर ये लड़ेगा किसके लिए, अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए। इज एम्ड एट एंश्योर दैट पीपल एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड हैव ए चांस, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक चांस मिले फॉर बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर चिल्ड्रन। ओवर द पास्ट जनरेशन मोर प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, और जो मेन फोकस है अभी तक वो किसके ऊपर है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने पे एंड रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड देन ड्यूरिंग एनी अदर पीरियड इन द हिस्ट्री इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है जी। अब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, जब कभी भी बैंक जो है वो क्या करेगा, फंडिंग करेगा, तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखेगा। इन इट्स लैंडिंग ऑपरेशन, जब कभी भी वो लैंडिंग करेगा, बैंक इज गाइडेड बाय सर्टेन पॉलिसी, तो बैंक्स के लिए कुछ पॉलिसी जो है वो निर्धारित की गई है, उन पॉलिसी को रिव्यू करते हुए बैंक जो है वो क्या करेगा, फंडिंग करेगा। क्या क्या है, पहला बैंक शुड प्रॉपरली असेस द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट, सबसे पहले ये देखेगा कि क्या अगर मैं किसी नेशन को लोन दूंगा तो क्या वो वापस ही मुझे दे देगा या नहीं दे देगा। फॉर दिस पर्पज इट शुड कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसके लिए वो देखेगा कि क्या उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव प्लांट कैपेसिटी उसकी कैसी है, कि क्या वो पूरे रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा है, एंड ऑपरेट द प्लांट एंड द कंट्री पास्ट डेट रिकॉर्ड, इनको भी वो क्या करेगा, चेक करेगा। दूसरा फिर बैंक जो है वो लैंड करेगा फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए व्हिच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड, ऐसे प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली साउंड है, जिनसे अपने को लगता है कि फ्यूचर के अंदर कंट्रीज को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा, फंडिंग करेगा। और ऐसे प्रोजेक्ट जो हाई प्रायोरिटी इन नेचर है उनको भी क्या करेगा, फंडिंग देने का काम करेगा। एज ए मैटर ऑफ जनरल पॉलिसी ये कंसंट्रेट करता है ऑन लैंडिंग फॉर प्रोजेक्ट व्हिच आर डिजाइन टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड नॉर्मली डज नॉट फाइनेंस प्रोजेक्ट व्हिच आर प्राइमली ऑफ द सोशल करेक्टर सच एज एजुकेशन हाउसिंग एक्सेट्रा। जितने भी बैंक के लोन हैव बीन मेड फॉर बेसिक यूटिलिटी के लिए लाइक पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके लिए जो है वो प्रोवाइड किया गया। तीसरा बैंक लैंड करेगा ओनली टू अनेबल ए कंट्री टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट, ये बैंक इसलिए पैसा देगा कि आपने बाहर से जो पैसा बाहर से जो सामान मंगाना है जिसके लिए फॉरेन करेंसी की नीड है उसके लिए आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। लाइक अगर मुझे इंडिया के अंदर रेल चलानी है या फिर मुझे इंडिया के अंदर जो है हाईवे बनाना है और उस हाईवे के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपया चाहिए, ओके जी सर, इसके लिए 400 करोड़ का सामान मुझे जो है वो बाहर से मंगाना है और 600 करोड़ का इंडिया से लेना है, तो 600 करोड़ के लिए फंडिंग नहीं करेगा। जो सामान आपको बाहर से मंगाना है उसके लिए क्या चाहिए आपको, फॉरेन करेंसी, आपको ये फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करवाने का क्या करेगा, काम करेगा। तो क्या बोलते हैं, बैंक लैंड्स ओनली टू अनेबल ए कंट्री टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट कोर्स, इट नॉर्मली एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू मोबिलाइज इट्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज। आगे बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन ए पर्टिकुलर कंट्री, बैंक जनरली यही बोलेगा आपने अगर लोन लिया है तो आप अपनी ही कंट्री के अंदर उस पैसे को जो है वो क्या करें, इन्वेस्ट करें, आप किसी दूसरे नेशंस के अंदर वो पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आगे इट इज द बैंक पॉलिसी टू मेंटेन कंटिन्यू रिलेशन, बैंक जो है वो क्या करेगा, टाइमली बेसिस पे जो बोरोवर है जिनको बैंक ने लैंडिंग करा है, पैसा दिया है, तो देखता भी रहेगा कि जो हमने उनको फंडिंग किया क्या वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और पता भी देखता भी रहेगा कि जो जिन प्रोजेक्ट में उसने कंट्रीज ने पैसा लेके जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग अलग कंट्री ने पैसा लगाया था तो क्या वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के अंदर भी है या नहीं है, ताकि पता चलता रहे कि क्या बैंक जो कंट्रीज हैं उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी सही है या नहीं है। आगे बैंक इनडायरेक्टली अटैच करेगा स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द प्रमोशन द लोकल प्राइवेट एंटरप्राइज, और जो लोकल प्राइवेट एंटरप्राइज है, जो लोकल कंपनीज हैं उनको भी डेवलप करने के लिए जो है ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये सब है उसकी क्या ओरिएंटेशन, इन इन पर्पस के लिए बैंक जो है वो जनरली क्या करता है, पैसा प्रोवाइड करता है। ओके जी सर, अब आगे आ जाओ एक बार। लोन, अब लोन के लिए कुछ स्पेशल है, प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है लोन ग्रांट करने का बाय द बैंक इज फॉर ओवरऑल एंड इंटीग्रेट डेवलपमेंट, मेंबर कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप नहीं करना, पूरे के पूरे इकोनॉमी को क्या करना है, डेवलप करना, उसके लिए क्या करेगा, फंडिंग करेगा। लोन आर मीन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंबर कंट्री, लोन्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मेंबर कंट्रीज जो है इसकी उनको क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। बैंक हैज टेकन स्टेप टू मेक श्योर ऑफ द एंड यूज ऑफ द लोन, ठीक बात है। अब लोन कैसे देता है, जनरली मेजर इसका जो लोन है वो पावर सेक्टर को जाता है 30%, टोटल लोन का 30% पावर को,
टोटल लोन का 30% ट्रांसपोर्ट को, एग्रीकल्चर और रिमेनिंग जो रह गया ये सब इनको जाएगा आपका कितना 40%। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो गया है, अब ध्यान से समझना, वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो अप्रोच है लोन प्रोवाइड करने का उसको किया चेंज। पहले वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता था, सेक्टर बेस्ड लेंडिंग करता था, प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग करता था, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब वो सिस्टम को चेंज कर दिया और अब वर्ल्ड बैंक जो है वो सेक्टर बेस्ड लेंडिंग करता है, आपको पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो समझना पहले, तो वर्ल्ड बैंक इज चेंजिंग इट्स अप्रोच फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग से कहां आ गया, सेक्टर बेस्ड लेंडिंग। पहले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा प्रोवाइड करता था और अब किसके लिए, एक सेक्टर के लिए, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनके लिए पैसा देगा। That is now loan are given to various sector of the economy like agriculture, industry, service sector, etc. ठीक है, अब खास बात, 2020 के अंदर जो biggest world bank से जो loan लिया है वो लिया है किसने, इंडिया ने। 2020 की बात हो रही है, पहले पर्टिकुलर ईयर की, ठीक है जी। 2021 के अंदर जो है सबसे ज्यादा लोन जो है वो IBRD से या वर्ल्ड बैंक से लिया है किसने, फिलीपींस ने। किसने लिया, फिलीपींस ने, और जर्नली इसने जो लोन लिया है वो अपने कोविड से अपने इकोनॉमी को रिहेबिलिट करने के लिए लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम की बात करता हूं, मतलब लाइफ टाइम का मतलब सर, लाइफ टाइम का मतलब 1945 से लेकर के और 2022 तक, अब तक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोन किसने लिया, तो अब तक की अगर बात करें तो भाई इंडिया सेकंड नंबर पे, पहले इंडिया फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन चलो अब पेरू जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया और इंडिया जो है वो कौन से, सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जो है वो कौन है, चाइना। तो अब तक हाईएस्ट लोन टेकिंग कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो कौन है, पेरू, सेकंड पे इंडिया, एंड थर्ड पे कौन, चाइना। 2021 का अगर डेटा पूछे तो 2021 के अंदर बिगेस्ट बोरोवर जो है वर्ल्ड IBRD से वो कौन है, फिलीपींस। 2020 के अंदर कौन था, इंडिया था, ठीक है जी। टर्म एंड कंडीशन जो है वर्ल्ड बैंक लेंडिंग की, अब वर्ल्ड बैंक जब आपको पैसा प्रोवाइड करेगा तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो क्या है। सबसे पहला, IBRD की लेंडिंग कैसे होती है, IBRD की बात करते हैं। IBRD जो आपको लोन देगा, पहली बात तो लंबे पीरियड के लिए देगा। अब लंबे पीरियड में क्या आएगा, तो लॉन्ग पीरियड का मतलब ये है 20 ईयर, 20 साल के लिए आपको जो है वो फंडिंग किया जाएगा, जिसमें ग्रेस पीरियड इंक्लूड है कितना, 5 साल का, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट जो IBRD आपको लोन देगा वो किस ब्याज दर पे देगा, वो देगा जी आपको लाइबर पे। लाइबर का मतलब है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जो लाइबर का रेट चल रहा होगा उस रेट के ऊपर आपको फंडिंग करेगा, प्लस 0.40%। ये जो भी रेट चल रहा है उसमें 0.40% ऐड कर लो, लाइक अगर ये 10% चल रहा है रेट, तो 10 प्लस में 0.40 कितना हो गया, 10.4% पे आपको फंडिंग करने का काम करेगा। तो टर्म एंड कंडीशन जो है वर्ल्ड बैंक लेंडिंग के वो क्या है, IBRD की लेंडिंग कैसे होगी, IBRD जो आपको लोन देगा, रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा, 20 साल, इंक्लूडिंग 5 ईयर ग्रेस के, प्लस इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, लाइबर। लाइबर क्या होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, वो रेट जिस पे लंदन के बैंक एक दूसरे को फंडिंग करते हैं, बैंक आपस में एक दूसरे को जो लोन दे रहे हैं, एक बैंक दूसरे बैंकों को जो लोन दे रहा है उसको बोलते हैं लाइबर, लंदन इंटरबैंक, इंटरबैंक बैंक टू बैंक ऑफर्ड रेट, वो प्लस में 40%, ठीक है। वही अगर बात करूंगा IDA, हालांकि IDA को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो IDA का लोन जो है उसके लिए क्या है। IDA आपको मैंने बताया, IDA के लोन जनरली जाते हैं किसके लिए, गरीबों के लिए, लो इनकम कंट्री के लिए। अब लो इनकम कंट्री के लिए जो है वो IDA के लोन जो है वो कैसे हैं, तो पहला रीपेमेंट पीरियड लंबे समय के लिए होते हैं, 35 साल, इंक्लूडिंग 10 साल ग्रेस के। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, जनरली नील रहेगा, लेकिन हम उनसे सर्विस चार्ज जो है 0.5% लेके 0.75% तक जो है वो उनसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके जी सर, अब आगे मेंबरशिप। अब मेंबरशिप की अगर बात करूंगा तो पहले तो एक बात ये समझना, आज तक जो है, आज करंटली जो है वो वर्ल्ड बैंक के IBRD के जो मेंबर है वो कितने हैं, 189, ठीक है। हाँ जी, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो फाउंडिंग फादर था किसका, IBRD का। जब IBRD बना तो उस टाइम पे इंडिया जो है इसका फाउंडिंग फादर था, ठीक है जी। सबसे स्पेशल बात जो है वो इसके बारे में ये, वर्ल्ड बैंक का अगर मेंबर बनना है तो पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक का अगर मेंबर बनना है तो आपको पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ बात मैंने कुछ लिखे, पहले वो करवाता हूँ फिर मेंबरशिप को पढ़ेंगे। आ जाओ एक बार ऊपर, ध्यान से सुनना भाई। टू बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अगर आपको क्या बनना है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, टू बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक अंडर द IBRD आर्टिकल एग्रीमेंट, ए कंट्री मस्ट फर्स्ट जॉइन द IMF। तो अगर आपको IBRD का मेंबर बनना है, दैट मींस इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, देन यू फर्स्ट बींग द मेंबर ऑफ द IMF। तो आपको पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
आईडीए का मेंबर बनना है या आईएफसी का बनना है या मिगा का बनना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये करेगा आईबीआरडी। मतलब आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो बाकी बॉडीज है अगर उनका मेंबर बनना चाहते हो तो पहले आपको आईबीआरडी का मेंबर बनना पड़ेगा, और आईबीआरडी का मेंबर बनने के लिए आपको पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया क्या कि अगर आप आईबीआरडी का वर्ल्ड बैंक के मेंबर बनना चाहते हो तो पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा किसका? आईएमएफ का। मतलब आपको आईएमएफ भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको आईडीए आईएफसी या मिगा का मेंबर बनना है तो उसके लिए पहले आपको आईबीआरडी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दिस डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ आईबीआरडी। आगे अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आईबीआरडी की जो लैंडिंग है इंडिया में स्टार्ट किया 1949 में। सबसे पहले आईबीआरडी मतलब वर्ल्ड बैंक ने इंडियन रेलवे के लिए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया था। और वही अगर आईडी की बात करते हैं जो गरीब देशों को डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन दिया जाता है, तो उसने इंडिया को 1961 में हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है वो प्रोजेक्ट चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए पैसा प्रोवाइड किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि पेपर में आएगा कि आईबीआरडी ने शुरुआत कब किया या आईडी ने शुरुआत कब किया, बट ये क्वेश्चन आ सकता है इफ यू वॉन्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक देन फर्स्ट आपको पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बाकी जो बॉडी से अगर आपको उनका मेंबर बनना है तो उसके लिए पहले आपको आईबीआरडी का मेंबर बनना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है जी। आ जाओ जी मेंबरशिप पे आते हैं। अगर हम एनी कंट्री कैन ज्वाइन, कोई भी कंट्री अगर वो चाहे तो वो ज्वाइन कर सकती है किसको? आईबीआरडी को, बाय साइनिंग द चार्टर ऑफ द बैंक। तो बैंक का अपना एक चार्टर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसका, तो उसको चार्टर को पहले साइन करना पड़ेगा, और साइन करके आप जो है वो आईबीआरडी के मेंबर बन सकते हैं। बैंक कैन सस्पेंड एनी मेंबर, और बैंक अगर चाहे तो आप किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को हटा भी सकता है अगर वो कंट्री जो है वो फेल हो जाए टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर वो कंट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने में फेल हो गई तो ये बैंक चाहे मतलब वर्ल्ड बैंक चाहे तो उसकी मेंबरशिप को हटा भी सकता है। मेंबर जो होंगे आईएमएफ के आर आल्सो द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ के जो भी मेंबर होंगे वो सब मेंबर होंगे किसके? वर्ल्ड बैंक। अभी हम बात कर भी चुके हैं, मेंबरशिप जो है वो आज की डेट में करंटली 189 है। If member country has to pay well the dues and also the share of loss if it resign, और अगर कोई भी member country अगर खुद से resign करके जाती है तो छोड़ने के बदले अगर कोई नुकसान है तो उसको पहले उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर आपने पूरी कहानी तो समझा दी, अब ये तो बताओ ये जो इतना बड़ा वर्ल्ड बैंक है इसको चलाते कौन है, इसका ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न तो बताओ। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का तो वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 3 tier पे बेस्ड है, मतलब 3 level पे है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला लेवल जो है सबसे टॉप मोस्ट बॉडी जो है वो है आपकी कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर। पहले बता दूं आईबीआरडी इज मैनेज बाय 3 tier। 3 tier मतलब, टायर मतलब लेवल, 3 level के ऊपर जो है ये काम करती है, ठीक है। सबसे पहला इंक्लूडिंग, जिसमें सबसे इसके अंदर इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द प्रेसिडेंट। सबसे पहले आएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन है जी? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज वेस्टेड विद द फुल अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास में फुल अथॉरिटी है और कंट्रोल है ओवर द बैंक एक्टिविटी। ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट नॉर्मली इट्स फाइनेंस मिनिस्टर एज ए गवर्नर। हर मेंबर कंट्री जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करती है। मतलब जैसे इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है इसका, तो इंडिया अपने फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है कौन है? निर्मला सीतारमन जी। तो उनको हमने अपॉइंट किया है एज ए बोर्ड ऑफ, वो मतलब यहां से वो गवर्नर के तौर पर जाती है। और कभी अगर ऐसा हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर एबसेंट है, अपने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर को यहां पर काम था, तो वहां पे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हो रही है तो वहां पे हमारी तरफ से अल्टरनेट डायरेक्टर जाएगा। और अल्टरनेट गवर्नर जो है वो कौन होगा? अल्टरनेट गवर्नर होगा हमारे यहां का जो सेंट्रल बैंक है लाइक आरबीआई, उनके उनका गवर्नर जाएगा। तो पहले तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर इज वेस्टेड विद फुल अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी है। बोर्ड ऑफ गवर्नर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब वर्ल्ड बैंक की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? वर्ल्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर है। साल में एक बार ये मीटिंग करते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। फिर अच्छा WTO में जो था मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, तो वो कितनी बार मीटिंग करते थे? जो WTO की टॉपमोस्ट बॉडी थी वो कितनी बार मीटिंग करती थी? वो 2 साल में एक बार करती थी, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक वाली 1 साल में एक बार, ठीक है। हर मेंबर कंट्री अपॉइंट करेगी अपने फाइनेंस मिनिस्टर को एज ए गवर्नर के तौर पे, ठीक है जी। मतलब ये जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा इसमें 189 गवर्नर्स बैठेंगे। सर 189 क्यों? 189 मेंबर कंट्री है ना, तो हर कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इनका क्या बनेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर मेंबर बनेगा, ठीक है। और सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होगा उसको अल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है जी। कितने पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। अल्टरनेट गवर्नर जो है वो वोटिंग राइट एक्सेस करेगा ओनली अगर गवर्नर क्या है? एब्सेंट है। मतलब अगर निर्मला सीतारमन जी अगर नहीं जा पाई तो उनकी जगह पे हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो वोट करेंगे वहां पे, ठीक है जी।
अब दिस स्ट्रेंथ जो है वोटिंग राइट का, गवर्नर डिपेंड करता है अबाउट द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री इन द शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। अब आपका कितना वोटिंग राइट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वर्ल्ड बैंक की शेयर कैपिटल को जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है जी, अब अगर बात करते हैं टोटल का, पहले इंडिया की बात करते हैं। टोटल वोटिंग राइट के अंदर इंडिया का जो वोटिंग राइट है वो कितना है, 3.71%। ये इंडिया का वोटिंग परसेंट है, ध्यान से सुनना। इंडिया का जो वोटिंग पावर है वो कितना 3.71% है, और इंडिया के जो टोटल वोट है वो कितने 836,190 वोट है। ओके जी सर। सर ये बताइए, वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे टॉप की जो वोटिंग पावर है वो किसके पास में, वो है यूएस के पास में। तभी ये बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गए, आईएमएफ हो गए, ये सब यूएस की कठपुतली है, वो अपने हिसाब से काम करता है, उनकी वीटो पावर है वहां पे जाकर के। चलो खैर, सबसे टॉप पे जो है वो यूएस के पास, फिर जापान के पास, फिर जर्मनी, फ्रांस और यूके। ये लेटेस्ट डेटा आपको मैंने बता दिया। तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग क्या है सर, इंडिया कौन सा नंबर, भाई पहले नंबर पे तो यूएस हो गया, इंडिया जो है वो है आपका सातवें नंबर पे। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर पे, सेवंथ नंबर पे। ठीक है जी, और फर्स्ट पे कौन है, यूएसए। अब इंडिया की रैंकिंग अगर बात करेंगे, आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक में सातवें पे, आईएफसी में छठे पे, आईडीए में सातवां, और मिका के अंदर नौवें नंबर पे है। आईसीएसआईडी में इंडिया मेंबर ही नहीं है उसका, तो इसलिए उसकी रैंकिंग भी नहीं है। ठीक है, तो वोटिंग पावर के हिसाब से बता दिए, लार्जेस्ट किसकी है, यूएस का, और इंडिया का सातवें नंबर पे है। ठीक है जी, अब सबसे टॉप पे तो कौन हो गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया, ये हो गया ना जी। दूसरे नंबर पे जो बॉडी आएगी, डेट बॉडी इज नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये कौन होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होंगे जो इसको चलाने का काम करेंगे। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, अब जैसे निर्मला सीतारमण है, वो तो साल में एक बार जाएगी, मीटिंग को अटेंड करेगी, डिसीजन लेंगे और बात खत्म कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक को रूटीन में चलाना भी तो है, तो वर्ल्ड बैंक को रूटीन में चलाने के लिए, चलाने का जिम्मा जो है वो हमने सौंपा है किसको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। ये कौन होंगे, ये 25 मेंबर का, 25 डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा। ठीक है जी, ए बॉडी ऑफ 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपरवाइज करेगा एंटायर ऑपरेशन ऑफ द बैंक। आउट ऑफ दिस, इनमें से 25 डायरेक्टर, जिनमें से 5 जो है वो अपॉइंट करेंगे किसने, 189 टोटल मेंबर कंट्री, उनमें से 5 बंदे, ये 189 टोटल मिला के 189 आपकी मेंबर कंट्री है जी, 189 मेंबर कंट्री में से 5 तो सबसे टॉप की बॉडी हो गई है। हाँ जी, और जो 5 आपकी सबसे टॉप की बॉडी थी, उन 5 सबसे टॉप की बॉडी के वो तो क्या करेंगे, अपना एक एक जो है वो डायरेक्टर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो 189 में से 5 गई, बाकी रहेगी कितने, 184। इन्होंने तो अपना एक एक बंदा अपॉइंट कर दिया, और बाकी जो है 184 ये करेंगे अपने 21 बंदे अपॉइंट। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 25 बंदे मिल करके जो है वो वर्ल्ड बैंक को चलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब ये 25 कौन होंगे, 5 तो जो बड़े बड़े बॉडीज हैं, लाइक यूएसए, जर्मनी, फ्रांस हो गया, ये लोग अपॉइंट करेंगे जी, और बाकी 184 नेशन जो है वो क्या करेंगे, वो 3-4 नेशन मिल करके किसी एक बंदे को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया से हमने राजेश खुल्लर जी हैं, इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो वहां पे बैठते हैं, और वो किसको, 4 नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इनको 4 को जो है वो क्या करते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है वो कैसे होती है, मंथली मीटिंग होती है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। बोर्ड में कितने बंदे हैं, 25 बंदे हैं। ठीक है, इन 25 में से 5 जो है वो अपॉइंट किए करें किसने, 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर ने, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान ने। रिमेनिंग जो रहेगी कितने, 20 है, रिमेनिंग जो रहेगी कितने, 20 डायरेक्टर, उसको इलेक्ट करेंगे कौन, इलेक्टेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिमेनिंग मेंबर कंट्री। दीज 25 डायरेक्टर ये इलेक्ट करेंगे प्रेस, और फिर ये जो 25 लोग हैं मिल करके क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। और जनरली इसका रिकॉर्ड रहा है, इतना खराब सिस्टम है, 25 ये जो 25 बंदे मिल करके अपने में से एक को अपॉइंट करते हैं, ऐसे कौन, ऐसे प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट हमेशा पता है कौन बनता है, यूएसए का बंदा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग पावर किसके पास, यूएस के पास, और सब, और जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा किसको बनाते हैं, यूएस के पर्सन को। हु प्रिसाइड ओवर द मंथली मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्कोप जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का उसमें क्या क्या आएगा, ये क्या क्या, ये लोग जो है क्या क्या काम करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द आर्टिकल एग्रीमेंट, लोन और क्रेडिट प्रपोजल जो है ये प्रोवाइड करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेजेंट करेंगे टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर को ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, मतलब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की साल में एक बार मीटिंग हो रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनको ये तीनों चीजें जो है इनकी मीटिंग में प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट देंगे, एनुअल रिपोर्ट जो है ऑपरेशन पॉलिसी ऑफ द बैंक के ऊपर सौंपेंगे उनको। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जो है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट अभी आज के डेट में कौन है, डेविड मालपास है, और ये अमेरिकन ओरिजिन के पर्सन है। प्रेसिडेंट ऑफ द
द बैंक नॉर्मली डज नॉट हैव द वोटिंग पावर, इसके पास वोटिंग पावर नहीं होती एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सरसाइजिंग द इक्वल राइट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि दोनों पक्षों के अंदर वोट जो है वो इक्वल हो गए तो फिर प्रेजिडेंट जो है बीच में आएगा और वोटिंग करेगा। आगे ही इज असिस्टेड बाय द, और इसको जो है वो सहायता कौन करेगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड द डायरेक्टर ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। अब यहां पे बता रखा है ये देखो ये कुछ ऐसा है, सबसे टॉप मोस्ट बॉडी तो कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर जी, दूसरे पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हां जी, तीसरे पे ये प्रेसिडेंट होगा ओके, और इसको ये सब लोग जो है वो क्या करेंगे, सहायता करेंगे ओके जी सर। ये है इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलो कैपिटल की बात करें, बहुत कैपिटल है इसकी, लेकिन अभी आपको जो याद करना है वो सिर्फ ये, ऑथराइज्ड कैपिटल जो है बैंक की इज $10 बिलियन है डिवाइडेड बाय $1 लाख का एक शेयर है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, बस इतना आप ध्यान रखिएगा कैपिटल जो है वो इतनी है ठीक है। अब जब भी कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनती है तो उसको अपनी कुछ कैपिटल लेके आनी होती है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, जब कभी भी आप एग्जांपल मान लो आप अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर मेंबर बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके शेयर्स को परचेस करोगे, मतलब उनको कैपिटल सब्सक्राइब करोगे आप लोग, तो कैसे कैसे करोगे वही बोलते हैं। द मेंबर कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर कैपिटल को बैंक को कैसे, पहला 2% जो है शेयर कैपिटल का वो तो देगी गोल्ड और $US में, जैसे अगर आपको 100 रुपया जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो 100 रुपये में से 2 रुपये तो आप जो है वो कैसे करेंगे, वो तो देंगे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड $US ठीक है जी। 18 रुपये जो है वो आप देंगे कैसे, इन द फॉर्म ऑफ ओन करेंसी, अपनी करेंसी जो है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो पेबल होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक, जब कभी बैंक मांगेगा तो आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मान लो आपकी कैपिटल जो है वो टोटल डिसाइड की गई है 100, तो उसका 2% तो आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या $US में, 18% जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी खुद की करेंसी में, और रिमेनिंग जब बैंक मांगेगा तब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ठीक है जी। ये जो ऊपर वाले हैं इन दोनों को वर्ल्ड बैंक जो है, ये पैसा जो वर्ल्ड बैंक ने आपसे लिया इसको फ्रीली आगे दूसरी कंट्रीज को जो है वो लेंडिंग कर सकता है ठीक है जी। आगे फंडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है बैंक का, बैंक जो है जब पैसा प्रोवाइड करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला टू मेक श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन द मार्केट, पहले ये भी देखेगा कि क्या फंड्स मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है फिर ये पैसा प्रोवाइड करेगा। मेंटेन प्रोवाइड करेगा फंड्स टू द बोरोवर एट द पॉसिबल लोअर कॉस्ट के ऊपर ये जो है वो पैसा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा थ्रू मैनिपुलेटिंग द करेंसी मिक्स एंड ऑप्टिंग द टाइम व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इज लो, कंट्रोल करेगा वोलेटिलिटी इन द नेट इनकम एंड द ओवरऑल चेंज चार्जेस ऑफ द लोन, और प्रोवाइड करेगा एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द बोरोइंग एंड लेंडिंग। अब लोन देना है, लोन देने के लिए क्या करेंगे, अगर बैंक ने जो है वो पहले पैसा उधार लेके आएगा, उधार कहां से लाएगा, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा ले सकता है, मतलब वर्ल्ड बैंक अगर आगे पैसा देगा तो भाई पहले तो होना भी तो चाहिए, तभी तो आगे कंट्री को पैसा दोगे, तो लाओगे कहां से, हम लेके आएंगे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से ठीक है, हम बोरो कर सकते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से जी, हम बोरो कर सकते हैं डिस्काउंट नेट प्रोग्राम से, यहां से जो पैसा आएगा अब उस पैसे को आगे फंडिंग के तौर पर प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक आगे लेंडिंग जो है वो कैसे करेगा, लोन देगा अपना खुद का पैसा, लोन देगा जो उसने क्या किया है बोरो किया है मार्केट से, और गारंटी और लोन के बजाय जो है वे कई बार गारंटी भी प्रोवाइड करेगा। तो पहले लोन देने के लिए कुछ पैसा खुद का होगा, कुछ मार्केट से उठा के लाएगा, और वो आगे पैसा टोटल मिला के आगे क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, पैसा भी लेंडिंग कर सकता है और साथ में गारंटी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये है बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज ओके जी सर। अब कंडीशन जो है वो क्या क्या है, सिंपल सी कंडीशन आओ देख लेते हैं। इफ द बोरोवर इज अनेबल टू रेज ए लोन फ्रॉम रीजनेबल सर्कमस्टेंस तभी प्रोवाइड करेगा, पहले तो ये बोलेगा आप अपने एंड पे ढूंढ लो, अगर लोन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा तो आप मेरे पास माना। इफ द लोन इज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, अगर लोन रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए तभी पैसा प्रोवाइड करेगा। व्हेन द मेंबर कंट्री और द सेंट्रल बैंक गारंटी करते हैं रीपेमेंट ऑफ द लोन रेज बाय द कंपनी और द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्री तो ही पैसा करेगा, मतलब गारंटी पहले लेगा। इफ द कंपिटेंट कमिटी रिकमेंड ए लोन, अगर कमिटी जो है ये बोलते हैं कि हाँ आप जो है इस मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड कर दो, ये कंपिटेंट कमिटी कौन है, जो वर्ल्ड बैंक की कमेटी है, अगर वो बोलते हैं किसी एक कंट्री को लोन दे दो तो ये दे देगा। In addition to providing direct loan के बजाय ये indirect loan, guarantee, ये सब भी जो है वो provide करता है, ठीक है? उसके लिए कुछ facilities जो है ये provide करते हैं, वो क्या-क्या हैं? तीन तरह की generally facilities जो है वो World Bank provide करता है। एक तो है structure adjustment facility। ये facility की शुरुआत किया गया 1985 में। इसके अंदर basically loan जो है वो दिया जाएगा किसके लिए? जो balance of payment का disequilibrium है, जिसके लिए आपको IMF से loan नहीं मिला, तो वो funding कर देगा कौन आपको? World Bank कर देगा। अंडर स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी,
कब शुरू हुआ? 1985 में. इन ऑर्डर टू हेल्प द मेंबर कंट्री सफरिंग फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, आईबीआरडी ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी. दीज फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द जनरल इंपोर्ट, ठीक है, बट नॉट द इंपोर्ट द लग्जरी गुड्स एंड द मिलिट्री प्रोडक्ट. क्योंकि जनरल इंपोर्ट जो जीवन जीने के लिए जरूरी है उसके लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि देश में डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है. दूसरा, 1987 के अंदर एक एनहांस स्ट्रक्चरल फैसिलिटी जो है वो क्या किया गया, शुरुआत किया गया, जिसके अंदर हम फंडिंग करेंगे किसको? लो इनकम मेंबर कंट्री को. आईबीआरडी एस्टेब्लिश कर रहा है एनहांस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसेशनल रिसोर्स टू द किसको? लो इनकम मेंबर कंट्री. और तीसरा, 1983 के अंदर स्पेशल एक्शन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, जिसमें आईबीआरडी स्टार्ट किया है स्पेशल एक्शन प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स एबिलिटी टू असिस्ट द मेंबर कंट्री इन द फॉलोइंग लाइन. किसके? स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट अगर आपने करनी है अपने कंट्री में, पॉलिसी में कोई चेंज कर रहे हो उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए पैसा प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस करेगा टाइमली इंप्लीमेंटेशन द हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, और प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी सर्विस. तो इन सब के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए स्पेशल एक्शन प्रोग्राम जो है वो 1983 में वर्ल्ड बैंक ने स्कीम शुरू की हुई है, तो उसके लिए आपको पैसा प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी. अब अगर बात करते हैं इंडिया के बारे में या फिर अगर एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो आईबीआरडी की जो लेंडिंग है 2021 में सेक्टर स्पेसिफिक, पहले प्रोजेक्ट बेसिस था अब सेक्टर स्पेसिफिक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो लेंडिंग किया गया किसको? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 20% टोटल फंड का 20% पैसा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया, 16% सोशल प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए 16, ऐसे ऐसे करके, और सबसे कम जो है वो मिला है किसको? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और एजुकेशन को, ठीक है जी. मेन जो गोल है आईबीआरडी का वो क्या है? वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, पूरे विश्व को जो है वो क्या गरीबी से दूर करना है. और ट्विन गोल के ऊपर ये काम भी कर रहा है. वो ट्विन गोल कौन कौन सा है? पहला, एंडिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, 2030 को अपने को एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्या करना है? खत्म करना है. एंड बूस्ट करना है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल द कंट्री. तो ये हमारा जो है वो ट्विन ऑब्जेक्टिव है. मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को 2030 तक अपने को पूरी तरह से जो है वो क्या करना है? एबोलिश करना है. ओके जी सर, ये सब काम है किसका? आईबीआरडी का. तो आईबीआरडी जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक बॉडी है, ठीक है ना, उसको वर्ल्ड बैंक भी बोल देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी चार और बच गई है, आईडीए, आईएफसी, मिग्गा और आईसीएसआईडी, ठीक है ना. तो अभी आज हम लोगों ने जो है वो कवर किया पूरा का पूरा किसको? आईबीआरडी, बोले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. मेन मेन जो इसके पॉइंट उठते थे, करंट जो लैंडिंग है सबसे ज्यादा किस कंट्री को हुआ, वो सब हमने इसके अंदर कवर कर लिया. अब अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके बाकी जो चार इंस्टीट्यूशन बचे हुए हैं वो सारे हम कवर करेंगे. उसके बाद अंकटाट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? IMF को. ओके जी सर, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. अच्छा लगा? अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा. कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा. और अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं. बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को करवाते हैं. लाइक आपने देखा भी होगा, इससे पहले वर्ल्ड बैंक की वीडियो, उसकी WTO का वीडियो डाला है, वो भी आप जाके देखिए. बिल्कुल बेस, सबसे पहले स्क्रैच जो है वो हम बताते हैं. इंसेप्शन क्या हुआ, कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुआ वो बताते हैं, ताकि आपको होल गैमेट समझ में आए, पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो, ताकि कल को जब आप लोग जाके JRF करके PhD करेंगे, जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे आपको मालूम हो कि कोई बॉडी क्यों सेटअप किया गया, ठीक है ना जी सर. तो कहीं भी अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करनी है तो पहले एक बार आप पूरा चेक कीजिए, जहां पे आपको बेटर सर्विस मिल रहा है उसी को ज्वाइन कीजिएगा. ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.